नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्पीड स्टडी में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा स्पीड स्टडी परिवार अनुराग सर आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और समुद्र में से जैसे मोती ढूंढा जाता है, वैसे एक एक ऐसा ऐसा टॉपिक आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं जो आपके परीक्षा में उसकी दृष्टि से कहीं फालतू का कोई मैटर नहीं है, जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपके परीक्षा में आपके जीवन में उपयोगी होने वाला है, वैसा वैसा हर चैप्टर, हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट से अनुराग साहब के लिए लेके आ रहे हैं। मैं अनुराग शुक्ला आप सबके साथ जुड़ रहा हूँ। एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है आपका। ज्ञान में सर क्या पढ़ाएंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हम लोग को पढ़ाएंगे जो हमारे लिए आवश्यक है। तो प्यारे दोस्तों, मनोविज्ञान पढ़ने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि मनोविज्ञान है क्या, उसकी आवश्यकता किस प्रकार है हमारे जीवन में। तो आज हम लोग केवल मनोविज्ञान का परिचय, उस पर अनेक बातें हैं जो हमारे जीवन से रिलेटेड हैं, जो हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, मनोविज्ञान विषय ये एग्जाम के लिए ही नहीं बल्कि हमारे जीवन को जीने का सलीका सिखाता है। हमारे जीवन में इसकी एक बहुत विशेष भूमिका होती है। ये हमें एग्जाम में तो सफलता दिलाता ही है, परंतु हमारे जीवन के कई मोड़ पर जहां पर स्थिति दयनीय होती है, जहां पर हम ये समझ नहीं पाते कि हम क्या करें क्या ना करें, छोटे अब जो बालक होता है, युवा अवस्था, पौड़ा अवस्था, बाल्यावस्था में उसके संवेगों को, उसके विचारों को, उसके आव भाव को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की अति आवश्यक होती है। यह विषय हमारे लिए कितना उपयोगी है, आजकल हम जानते हैं कथ्यात्मक प्रश्नों के साथ साथ व्यवहारिक प्रश्न भी परीक्षा में अत्यधिक पूछे जाते हैं। टेट, सीटेट, बीएड आदि परीक्षाओं में हमारे मानसिक संतुलन पर, हमारी मानसिक योग्यता का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा दिमाग कहाँ तक किसको कैच कर रहा है। तो आइए आज हम लोग मनोविज्ञान के कुछ ऐसे टॉपिक को समझेंगे जो मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले हमारे लिए अति आवश्यक है। आइए देखते हैं, आइए आज हम लोग मनोविज्ञान देखते हैं हमारे लिए किस प्रकार आवश्यक है। कोई भी छोटा बालक होता है, उसके विचारों को, उसके संवेगों को, उसके आवभाव को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता होती है। यह विषय हमें परीक्षा में तो सफलता दिलाता ही है, उसके साथ साथ ये जीवन को जीने का तरीका सिखाता है। यह सफल मनोविज्ञान जो है, यह पूर्ण रूप से आपको परीक्षा में और हमारे जीवन में सफलता का आधार माना जाता है। यह विद्यार्थी के लिए ही नहीं अपितु पूरे समाज के लिए, पूरे मानव जाति के लिए अत्यंत आवश्यक विषय है। जरूरी नहीं कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं वाले विद्यार्थी वही से पढ़ें। जीवन को अच्छे ढंग से जीने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे बालकों में होने वाले अनेक विकासों को समझने के लिए, उन्हें अत्यंत गुणवान, सुशील और मानसिक रूप से तीव्र बनाने के लिए मनोविज्ञान की अत्यंत आवश्यकता होती है। आइए हम लोग देखते हैं मनोविज्ञान से हमें फायदे क्या क्या होते हैं। मनोविज्ञान हमें जीवन को जीने का तरीका सिखाता है। हाँ प्यारे दोस्तों, यदि हम मनोविज्ञान को पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, तो बालक जब छोटा सा बालक होता है, वो बोल नहीं पाता, जब उसे खाना खाना होता है तो वो दूसरी एक्टिविटी करता है, जब उसे कोई अन्य दर्द या कुछ होता है तो वो अन्य एक्टिविटी करता है, तो उसके संवेगों को समझने के लिए हमें मनोविज्ञान की अत्यंत आवश्यकता होती है। आइए दूसरा टॉपिक देखते हैं, यह विभिन्न परिस्थितियों में हंसकर मुकाबला करना सिखाता है। प्यारे दोस्तों, हमारा जीवन बहुत बड़ा है और इसमें अनेक प्रकार के सुख दुख, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच होते रहते हैं, तो जो मनोविज्ञान है वो हमारे जीवन में हर परिस्थिति में, चाहे हम किस अवस्था में रहे हों, ये हमें हंसकर उससे डटकर मुकाबला करना सिखाता है और हर जगह अड़े रहने के लिए हमें प्रेरणा देता रहता है। उसके बाद बड़ी से बड़ी बाधाओं आने पर चिंतन करना सिखाता है। मेरे प्यारे भाइयों, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, चिंता जो है वो चिता के समान होती है, और हम इस भौतिक समाज में अनेक रूप से हमें कठिनाइयां आती रहती हैं, तो हमें चिंता नहीं करना है, उसके निवारण के लिए चिंतन करना है कि
ऐसा चिंतन जिससे हमें उसका निवारण भी हो जाए और हमारी मानसिक स्थिति सदैव बनी रहे। अगला देखते हैं, मानसिक संतुलन को स्वस्थ रखना सिखाता है। भाइयों, अगर हमारा मानसिक संतुलन स्वस्थ नहीं है, हमारे दिमाग में चिंता अनेक विकार अगर उत्पन्न है, तो हम कभी भी किसी भी परीक्षा में या किसी भी विषय की तैयारी में या किसी भी काम में पूर्ण रूप से लगन का की तहत काम नहीं कर सकते। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव बातें सदैव चलती रहेंगी कि हम ये कैसे करें, क्या करें, क्यों करें, जबकि हमारा जो मानसिक संतुलन है वो एक स्थायी नहीं रहेगा और हमारा जो कार्य है वह उस पर केंद्रित नहीं रहेगा। मनोविज्ञान को रट कर नहीं समझ कर सीखने की आवश्यकता होती है। आप लोग टेट सीटेट वगैरह में जानते हैं पेडोलॉजी जो है 15 नंबर की आती है। किसी भी बात को अगर हम रट कर समझेंगे, रट कर किसी भी चीज को सीखेंगे, तो वो एक दिन दो दिन के बाद हमारे दिमाग से चली जाएगी। लेकिन यदि हम किसी भी बात को व्यवहारिक रूप से कहानी के माध्यम से और अनेक प्रकार के कहानी किस्सों आदि के माध्यम से उसे हम लोग व्यवहारिक रूप से सीखेंगे तो वो हमारे जीवन में सदैव बनी रहेगी। मनोविज्ञान जटिल नहीं सरल विषय है। मनोविज्ञान ही नहीं, कुछ छात्र होते हैं गणित, इंग्लिश आदि सब्जेक्ट को वो लोग उनके मन में एक डर सा बन जाता है कि ये विषय बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप लोग उस पर मेहनत करेंगे और अपने दिमाग से यह बिल्कुल निकाल देंगे कि यह कठिन विषय है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अनुराग सर आपको मैथ की क्लास पढ़ाते हैं, अगर आप नॉर्मली केवल वीडियो उनका देखते रहेंगे तो मैथ में मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ टेट सीटेट में जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 से 22 क्वेश्चन तो आप देखते ही उसको सॉल्व कर लेंगे। मनोविज्ञान को अपने जीवन में अपनाने के उद्देश्य से पढ़ें। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया मनोविज्ञान जो है हमारे बालकों में होने वाले अनेक विकासों को प्रदर्शित करता है। जब तक हम मनोविज्ञान के बारे में जानकारी नहीं रखेंगे तब तक हम उनके विकास में अपना पूर्ण योगदान नहीं दे सकते। इसीलिए मनोविज्ञान को हमको समझना है, व्यवहारिक रूप से समझना है और उसको रटना नहीं है, उसको अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ रखें। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपके दिमाग में टेंशन, प्रेशर और अनेक प्रकार की नेगेटिव बातें चलती रहेंगी तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होंगे। इसीलिए चिंता, जब तक आप स्टडी कर रहे हैं, स्टडी लाइफ में आप लोग बिल्कुल भी चिंता छोड़ दीजिए, केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखिए। लक्ष्य पाने के बाद तो जितनी भी चिंताएं हैं वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कभी भी देखिए, विद्यार्थी लाइफ में क्या होता है कि वह अवस्था 18 से 21 वर्ष की अवस्था होती है और ऐसी अवस्था में बालकों के अंदर अनेक प्रकार के संवेग उत्पन्न होते हैं और उन्हीं संवेगों के कारण कुछ बालक जो हैं वो गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसीलिए यदि हम मनोविज्ञान के माध्यम से उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देते रहेंगे, अनेक प्रकार की जैसे आजकल टीवियों पर रामायण, महाभारत आदि ऐसे ऐसे धारावाहिक चलाने का सबसे मेन कारण यही है कि बालकों के अंदर सकारात्मक विचार आए और उनका जो रास्ता है, उनकी जो गाइडलाइन है, वो सदैव अच्छी दिशा में चले। दोषारोपण ना करें। देखिए, सबसे बड़ी जो कमी होती है वो दोषारोपण की होती है। सदैव गलती अपनी मानना चाहिए। कुछ बालक होते हैं, उन परीक्षा दिए और परीक्षा में यदि किसी माध्यम से उनका अंग कम आ गया या किसी कारणवश वो पेपर उनसे मैच नहीं किया तो वह अपनी कमी नहीं देखेंगे। मैं मानता हूं कि कमी दोनों की होती है, लेकिन पढ़ना आपको है, पेपर आपको बीट करना है। यदि आप किसी अध्यापक के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने विद्यालय के ऊपर, अपने वातावरण के ऊपर जितना अधिक दोषारोपण करेंगे उससे कहीं अच्छा ये होगा कि यदि आप खुद महसूस करें कि गलती हमसे कहां हुई, हमने आपको टॉपिक पढ़ाया, उस टॉपिक में चूक हमसे कहां हुई, यदि हम इसको समझ लेंगे तो हमारा जो आने वाली परीक्षाएं हैं, आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, वो हम आसानी से बीट कर सकते हैं। असफलता को सफलता की सीढ़ी बनाएं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, जो
बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके सीईओज होते हैं। एक बार मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें उन्होंने बताया कि सर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके सीईओ होते हैं, उनकी जो तनख्वाह होती है 1.5 करोड़, 2 करोड़, यहाँ तक कि 5-10 करोड़ होती है। उनसे इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, तो उनका जो जवाब था वह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने जवाब दिया कि जब उनका इंटरव्यू होता है तो हम उनको बुलाते हैं और उनसे ये नहीं पूछते कि आपने कहाँ अचीव किया, कितना प्रोग्रेस किया, इतने पे ये किया वो किया, ये हम लोग नहीं पूछते। हम लोग उनसे पूछते हैं कि वह कौन सा समय था जब आप सबसे बड़े फेलियर थे, जब आप सबसे गर्त में थे, उस समय आपने अपनी कंपनी को ऊंचा बढ़ाने के लिए क्या किया। तो दोस्तों, जो एक बार फेल हुआ है हमें उसको मन से निकाल देना चाहिए और उसे हमें अगली सीढ़ी बनाना चाहिए, उस जहां हमसे कमी रह गई हो वह देखकर उसे और आगे बढ़ने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। फोकस ऑन 98%, नॉट ओनली 2%। कभी कभी क्या होता है, परीक्षाओं में 2-3 प्रश्न ऐसे जटिल आ जाते हैं जिस जो हमारा पूरा समय लेके जाता है और हम उसी में पड़े रहते हैं कि ये दो क्वेश्चन हम कैसे करें, कहाँ से करें, इसका आंसर क्या होगा, ये कहाँ से आ गया, ये तो पढ़ाया ही गया, इसकी तो कभी चर्चा ही नहीं हुई। हमें इस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, हमें फोकस किस पे करना है, 98%। अगर हमारा 98% क्वेश्चन अचीव हो गया तो ये 2% क्वेश्चन हमारी सफलता को रोक कभी नहीं रोक सकता। व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कभी कभी हमारे जो व्यवहार होते हैं, कार्य होते हैं, उस पे कुछ समाज के ऐसे लोग होते हैं वो जो निरंतर कमेंट करते रहते हैं, वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सुनाने का काम या कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे हम अपने रास्ते से भटक जाएं। तो हमें उन 2% लोगों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना, हमें पॉजिटिव जो 98% का रिजल्ट है हमारे जीवन में, हमें उसे अपनाना है, कुशल रणनीति बनाएं। देखिए भाइयों, जो सबसे बड़ी बात होती है, मैं चाहे जितना मेहनत करूं, अनुराग यादव सर आपके लिए जितना मेहनत करें, ऋचा मैम चाहे जितना मेहनत करें और राजेश सर आपके लिए जितना मेहनत करें, लेकिन जब तक आपकी रणनीति कुशल नहीं होगी तब तक आप किसी भी परीक्षा को अचीव नहीं कर सकते। आपकी रणनीति का मतलब आपके उठने का जो समय है वो टाइम टेबल बनना चाहिए, कब हमें पढ़ना है, कब लिखना है, कब खाना खाना है। विद्यार्थी जीवन में सदैव टाइम टेबल का जो है विशेष महत्व होता है। यदि हम किसी भी काम को समय से करेंगे तो मैं 100 नहीं 101% गारंटी लेता हूं कि आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। इसीलिए जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन की विशेष बात है वो कुशल रणनीति बनाना है। ये देखते हैं, क्योंकि एक बात जो सबसे बड़ी बात है, देर आर नॉट लर्निंग विथ इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातों में इंटरेस्ट नहीं, तो आप बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के आप लोग यदि कोई काम करेंगे तो वो काम आपके लिए कभी लाभदायक नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को आज ये जो मैंने परिचय दिया वो समझ में आया होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने तो कोई टॉपिक आज स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि देखिए कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसकी भूमिका बनाना अति आवश्यक है। आपके साथ हमारा परिवार निरंतर मेहनत कर रहा है। अनुराग सर आपके लिए मैथ, साइंस, भूगोल, मतलब क्या कोई हमारे जो टीचर का समूह है वो आपके लिए यूपीएससी, एसआई, पुलिस, रेलवे, एयरफोर्स ने भी हर प्रकार की तैयारी कराने के लिए सदैव जुड़ा हुआ है। कल से आपकी निखिल की फिजिक्स की क्लास चालू हुई, 10th की, 12th की, कोई ऐसा पढ़ाई नहीं है जो आपको इस चैनल पे ना मिले। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और हमारे इस परिवार को और बड़ा करेंगे, अपना प्यार सदैव देते रहेंगे। नमस्कार।